नमस्कार, आप देख रहे हैं बॉलीवुड फ्राइड। महेश भट्ट बॉलीवुड के उन नामी ग्रामी लोगों में से एक है जिनका नाम अक्सर विवादों में बना रहता है। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद महेश भट्ट पर कई तरह के आरोप लगे थे। इस दौरान दावा किया गया था कि महेश भट्ट ने रिया चक्रवर्ती की मदद की है, जिसके बाद महेश भट्ट को सोशल मीडिया पर हो रही जबरदस्त ट्रोलिंग का सामना करना पड़ गया था। इस घटना के बाद अब एक बार फिर से महेश भट्ट विवादों में आ गए हैं। कुछ समय पहले ही महेश भट्ट की एक रिश्तेदार लुबीना ने एक वीडियो शेयर करके इस बॉलीवुड फिल्म मेकर पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। लुबीना ने अपनी वीडियो में बताया है कि वह महेश भट्ट के बांझे की पत्नी है। महेश भट्ट का बांझा ड्रग्स और लड़कियों की सप्लाई करता है, जो बात जानने के बाद उन्होंने तलाक के लिए अर्जी दी है। अपनी वीडियो में लुबीना ने दावा किया है कि महेश भट्ट बॉलीवुड के डॉन है, इंडस्ट्री में महेश भट्ट की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। इतना ही नहीं, लुबीना ने आरोप लगाए हैं कि महेश भट्ट ने इनकी जिंदगी को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। इसी बीच महेश भट्ट ने भी बिना देर किए एक स्टेटमेंट जारी करके खुद को बेकसूर बता दिया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि कुछ समय पहले ही महेश भट्ट के वकील ने एक स्टेटमेंट जारी की है। महेश भट्ट के इस स्टेटमेंट में लिखा गया है कि लुबीना लोध के लगाए सभी आरोप गलत हैं और बेबुनियाद हैं। इस आरोपों के जरिए महेश भट्ट की इमेज को खराब करने की कोशिश की जा रही है। किसी की छवि को खराब करना कानूनन जुर्म है। अगर लुबीना ने ये बयानबाजी बंद नहीं की तो महेश भट्ट जल्द ही लुबीना के खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे। नमस्ते, मेरा नाम लुबीना लोध है और मैं ये वीडियो मेरी और अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए बना रही हूँ। मेरी शादी महेश भट्ट के भांजे सुमित सबरवाल के साथ हुई थी और मैंने उनके खिलाफ डिवोर्स केस फाइल किया है, क्योंकि मुझे पता चल गया था वो ड्रग्स सप्लाई करते हैं एक्टर्स को, जैसे अमायरा दस्तूर, सपना पब्बी एक्सेट्रा, और उनके फ़ोन में भी बहुत अलग अलग किस्म की लड़कियों की तस्वीरें होती है जो वो डायरेक्टर्स को दिखाते हैं, तो वो लड़की भी सप्लाई करते हैं। और इन सारी बातों की जानकारी महेश भट्ट को है। महेश भट्ट सबसे बड़ा डॉन है इंडस्ट्री का, ये पूरा सिस्टम वही ऑपरेट करता है। और अगर इफ़ यू डोंट प्ले बाय देयर रूल्स, वो आपका जीना हराम कर देते हैं। महेश भट्ट ने कितने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, कितने एक्टर्स, डायरेक्टर्स, कंपोजर्स को उन्होंने काम से निकाल दिया है। वो एक फ़ोन करते हैं पीछे से और लोगों का काम चला जाता है और लोगों को पता भी नहीं चलता। ऐसे उन्होंने बहुत ज़िंदगियां बर्बाद की है और जब से मैंने उनके खिलाफ केस फाइल किया है वो हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गए हैं। एक अलग अलग तरीके से वो मेरे घर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी कोशिश की उन्होंने मुझे इस घर से निकालने की, और जब मैं पुलिस स्टेशन NC लिखाने जाती हूँ तो कोई मेरी NC भी नहीं लेता, और बहुत मुश्किल के बाद अगर मैं NC लिखा भी देती हूँ तो कोई एक्शन नहीं होता। अगर कल कोई हादसा मेरे साथ या मेरी फैमिली के साथ होता है तो ओनली पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल इज महेश भट्ट, मुकेश भट्ट, सुमित सबरवाल, साहिल सहगल एंड कुमकुम सहगल। एटलीस्ट लोगों को पता तो चले कि बंद दरवाजे के पीछे इन्होंने कितने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद की है और ये क्या क्या कर सकते हैं, बिकॉज महेश भट्ट इज़ एक्सट्रीमली पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल।